इंडिया के रीसेंट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो अर्मेनिया इंडिया के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम का ऑर्डर प्रॉबेबली प्लेस कर चुका है। नाउ प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है और गवर्नमेंट अर्मेनिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करती, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट यूरेशियन टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, एक रीसेंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अर्मेनिया आकाश सिस्टम का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुका है। ना उस आर्टिकल में भी ये कहा गया है कि नो वन कैन ऑफिशियली कन्फर्म इट येट, बट भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि आकाश वेपन सिस्टम का मैन्युफैक्चरर है, उसके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग द ऑर्डर हैज़ ऑलरेडी बीन प्लेस्ड। ना वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बोर्ड मीटिंग्स के माइन्यूट्स हो सकते हैं या फिर एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट अगर हम अर्मेनिया की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अर्मेनिया अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल सप्लायर रशिया, जो कि अर्मेनिया का ओनली डिफेंस पार्टनर था। बट 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है, और क्योंकि वॉर के बाद रशिया की जितने भी आर्म्स इंडस्ट्री थी उसको रशिया ने सिर्फ अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए फुली यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से रशिया के एक्सपोर्ट्स में काफ़ी डिक्लाइन आया है और उसका इफ़ेक्ट अर्मेनिया पर भी पड़ा है। और पिछले कुछ सालों में अर्मेनिया ने रशिया के साथ अराउंड $400 मिलियन के डिफेंस डील साइन की थी, बट अपनी स्लो प्रोडक्शन की वजह से रशिया ने अभी तक सिर्फ ओनली $27 मिलियन के आर्म्स ही अर्मेनिया को डिलीवर किए हैं, जिसकी वजह से इसके बाद दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। और इसके बाद अर्मेनिया अपनी डिफेंस की नीड्स के सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहा है। बट अगर हम अर्मेनिया के डिफेंस एक्सपेंडिचर को देखें तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, और सिप्री के डेटाबेस के अकॉर्डिंग 2022 में अर्मेनिया का टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर 1 बिलियन से भी कम था, अराउंड $800 मिलियन। बट यस, रशिया वाज द ओनली सप्लायर टू द अर्मेनिया। लाइक 2019 में रशिया ने अराउंड $228 मिलियन के आर्म्स एक्सपोर्ट अर्मेनिया को किए थे। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो 2022 में अर्मेनिया ने इंडिया के साथ अराउंड 2,000 करोड़ रुपीज़ की डिफेंस डील साइन की थी, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और इसके अलावा रॉकेट्स और एमिनिशन जैसे प्रोडक्ट्स शामिल थे। और इसके अलावा 2020 में भी अर्मेनिया ने इंडिया को स्वाथी रडार सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी 2021 में इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। नाउ मूविंग टू दिस आकाश मिसाइल सिस्टम, 2022 में द प्रिंट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अर्मेनिया इंडिया के इस आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड था, और आकाश वेपन सिस्टम के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम्स और लॉयटरिंग मुनिशंस भी अर्मेनिया की लिस्ट में शामिल थे। नाउ ये रिपोर्ट अर्मेनिया के उस 2022 के पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के ऑर्डर के बाद की रिपोर्ट है, और इस साल अगस्त में भी अर्मेनिया के कुछ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि इंडिया अर्मेनिया को एडिशनल मिलिट्री इक्विपमेंट की सपोर्ट करने वाला है। नाउ इंडिया अर्मेनिया की डिफेंस कोऑपरेशन को गवर्नमेंट ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करती बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। अजरबैजान जो कि टर्की और पाकिस्तान का सपोर्टर है, ये तीनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, और 2017 में इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था। और इसके अलावा अजरबैजान टर्किश ड्रोन्स भी यूज़ कर रहा है अगेंस्ट अर्मेनिया, और ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग JF-17 फाइटर जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे देखा जाए तो अजरबैजान और अर्मेनिया का इशू और इंडिया पाकिस्तान का ये लिंक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट इन चीज़ों को ज़्यादा इन पर ज़्यादा ओपन अप नहीं होती। और इसके अलावा
इंडिया और अर्मीनिया की भी इसमें कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट फिर भी अर्मीनिया के साथ ये डील्स सामने आ जाती हैं, क्योंकि अर्मीनिया जिन इंडिया की जिन कंपनीज़ के साथ ये डील्स फाइनलाइज करता है उनकी एनुअल रिपोर्ट्स और मीटिंग अनाउंसमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें पब्लिसाइज हो जाती हैं। और आकाश वेपन सिस्टम की इस डेवलपमेंट से पहले भी अर्मीनिया इंडिया के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम्स की प्रोक्योरमेंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, जो कि इंडिया की हैदराबाद बेस्ड जेन टेक्नोलॉजीज़ के साथ हुआ है। और जेन टेक्नोलॉजीज़ ने इस साल अपने एक ब्रांच ऑफिस की ओपनिंग को लेकर, अर्मीनिया में ओपनिंग को लेकर अनाउंसमेंट भी की थी। एंड इस डेवलपमेंट का तब पता चला जब इस साल अक्टूबर में कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स के माइन्यूट्स को रिलीज़ किया गया, जिसमें कहा गया कि आर कंपनी इज़ ओपनिंग एन ऑफिस ब्रांच ऑफिस इन अर्मीनिया टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस टू आर कस्टमर। और अगर हम आकाश वेपन सिस्टम की बात करें तो इसकी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट DRDO द्वारा की गई है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। और आकाश वेपन सिस्टम ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है टू प्रोटेक्ट द एयर अटैक्स फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स, अनमैंड एरियल व्हीकल्स, फाइटर जेट्स और अदर मिसाइल अटैक्स, और जिसकी ऑपरेशनल रेंज है 5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक, और ये 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड्स के टारगेट्स के अटैक्स को भी टारगेट कर सकता है। डिटेक्शन से लेकर किलिंग तक ये फुली ऑटोमेटिक वर्क करता है, और इस सिस्टम को मूवेबल व्हीकल्स पर फिट किया जाता है, और जिनसे इनको इजीली रेल और रोड से इजीली किसी भी एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इंडक्ट कर चुकी है। लास्ट वीक इंडियन एयरफोर्स की अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज के दौरान भी आकाश वेपन सिस्टम की फायर पावर को डेमोंस्ट्रेट किया गया था, जिसमें आकाश की सिंगल फायरिंग यूनिट से मिसाइल्स को लॉन्च करके 4 इनकमिंग मिसाइल्स टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया। और अब इंडिया पहली कंट्री है जिसने एक सिंगल यूनिट से मिसाइल्स लॉन्च करके 4 साइमल्टेनियस टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है एट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ अराउंड 25 किलोमीटर। सो आकाश वेपन सिस्टम अर्मेनिया के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है टू काउंटर अजरबैजान। और इंडिया के अलावा, जैसे हमने पहले बात की कि अर्मीनिया वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ भी मूव कर रहा है, तो उसमें फ्रांस अर्मीनिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अर्मीनिया ने फ्रांस के साथ मिस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की डील साइन की है, और इसके अलावा फ्रांस इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स टू अर्मीनिया। और ये नेचुरल है कि रशिया से इम्पोर्ट्स में गैप आने के बाद अर्मीनिया अब बाकी कंट्रीज़ की तरफ मूव करेगा। और इसके अलावा अर्मीनिया अपनी मिलिट्री आर्सनल, जो कि मोस्टली सोवियत और रशियन ओरिजिन की है, उसको अपग्रेड करने के लिए भी एक रिलायबल पार्टनर की तलाश में है। सो इंडिया के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू बूस्ट इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स।